हरि ओम। मेरा नाम मंजीनाथ जी अनावड़िया है और पटेल है मेरा, और मैं यहाँ अनुष्ठान के लिए आया हूँ पंचेड़। शुरू से मैं बताऊँ तो आज से सालों पहले, 15-18 साल पहले मेरे पास कुछ नहीं था। खाने का वांदा था और दूध लेने तक का पैसा नहीं था मेरे पास, लेकिन बापूजी की ऐसी कृपा हुई। मैंने आज से 18-20 साल पहले बापूजी से दीक्षा लिया है, और उससे पहले मेरे पास कुछ नहीं था। तो मेरे एक पड़ोसी मित्र थे, तो उन्होंने बुलाया कि एक बार ऐसा काम करो, आप बम्बई में अपना लाल बाग ना राजा गणपति है, उनके पास जाइए और जाइए मन दर्शन करिए और मन्नती मांगिए। तो मैंने वहाँ मन्नती मांगी कि मुझे सही रास्ता मिले, और सही रास्ते में मेरे को थोड़ा दिन के बाद ऐसा अनुभव हुआ कि बापूजी यहाँ बॉम्बे आए हैं। तब से वो टाइम पे सांता क्रूज में आए थे बापू, और वो टाइम मैं उन्होंने दीक्षा लिया। मैं फिर मेरे जीवन में ऐसे ऐसे अनुभव हुआ थोड़ा बहुत, और घर पे तो ऐसा संसार में तो रहता है ना, झगड़ा वगैरह फैमिली में रहता ही है। तो वो टाइम में ऐसा हो गया था, फैमिली में सब लोग धिकारते थे, तो मैं बोला ठीक है। फिर मैंने ऐसा ध्यान लगाया और मन मन ऐसा भाव से बोला कि मुझे सही रास्ता मिले और सही सब लोग मिले। तो मेरे आस्ते आस्ते सब मित्र, सब साधक भाई मिले, तो आस्ते आस्ते मेरे को लालजी महाराज का भी बहुत सपोर्ट रहा उनका, कि भाई ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, संडे को ऐसा करो, पीपल देव का ये करो। और उन्होंने बहुत से युक्तियाँ बताई। फिर सुरेशानंद ने भी वो टाइम में, मैं उनका सत्संग बहुत सुनता था, तो बहुत बताते थे अपना कैसे अपने को घर परिवार में शांति आना, कैसे कैसे सब वो बताते। वैसे वैसे मैं करते गया और मेरे जीवन में ऐसे ऐसे अनुभव हुआ। आगे चल के मेरे को ऐसा हो गया, मेरे को एक टाइम ऐसा हुआ था, मैं एक्टिवा में, टू व्हीलर पे गाड़ी में जा रहा था, और फुल बारिश था, आगे की गाड़ी नहीं दिखाई देती, इतनी सारी बारिश थी। तो वो टाइम पे मेरा मतलब आगे से किसी गाड़ी ने ओवरटेक किया, तो मेरा गाड़ी ऐसा पलटी मार गया, और फुल बारिश में ऐसे किसी ने मेरे को उठाया और साइड में बिठा दिया। और क्या जाना, मैं थोड़े टाइम बाद में देखता हूँ तो कोई है ही नहीं करके, और मेरे को उठाने वाला क्या मालूम बापू थे कौन। वो टाइम पे मेरी भक्ति और बढ़ गई। बाद में थोड़ा दिन के बाद ऐसे ही चलता रहा चलता रहा, बाद में मेरे को पैरालिसिस का अटैक हुआ। तभी भी फैमिली वाले मेरे को घर में लेके जाते थे, और बाद में ऐसे दोस्त आए कि चलो तुमको मैं लेके जाता हूँ। मैं नॉर्मल ऐसा, मेरा पैर उठ नहीं रहा था, डॉक्टर ने बोला उनको घर पे आराम करने दो। और वो दोस्त आया ना, वो पहचान गया उसको क्या तकलीफ है, तो मेरे को डायरेक्ट कोकिला हॉस्पिटल में लेके गए। उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और आगे आगे मेरे को और बहुत सारे अनुभव हुए, कास्ट फैमिली में तो हुए थे, बाद में बापूजी से एक ही मन्नत मांगता था कि मेरे को सही रास्ता मिले। और बापूजी का नाम जब जब करते रहा और आगे बढ़ता रहा, आज मेरे पास सब कुछ है, अच्छा परिवार है, दो बच्चे हैं, और बच्चे भी इतना संस्कारी है, दो बहुएं हैं वो भी संस्कारी, बेटे की शादी हो गई। आज मैं मंजिल, मेरा सब काम हो गया, सब एक ईश्वर प्राप्ति का ही अभी बाकी है। तो मेरे को बापू ने अभी पंचेड़ बुलाया, तो मेरी भावना है कि मेरे को, मेरे सब काम बापू ने किया है, अब ये भी काम मेरे बापू कर देंगे, ऐसा मुझे आश्वासन है, मेरी श्रद्धा है बापू प्रति। और यहाँ मैं आके मेरे को इतना अच्छा लगा, और 4-5 दिन तो ऐसा लगा कि मैं
यहाँ रोने सोने का ठिकाना थोड़ा बहुत मतलब है, सब सुविधा सब है, यहाँ के संचालक सही है। और मैं संचालक को पूछा, मेरे को इधर मन में क्या करूँ क्या नहीं करूँ वही समझ में नहीं आता है। बोले शुरू शुरू में सबको होता ही है ऐसा, तुम लगे रहो नाम जाप में, लगे रहो नाम जाप में। मैं लगा और ऐसा ऐसा अनुभव हुआ मेरे को अभी कि मैं अभी क्या बताऊँ, अब बोलता हूँ तो मेरी वाणी रुक जाती है। यहाँ जो आके ऐसा लगता है कि मेरा सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। मैं इस दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ बापू का कि मेरे जीवन में मिले। मैं यही सोचता हूँ कि सभी को ऐसे बापू मिले और सभी को दीक्षा मिले। और बापू, सब संसारी लोग बोलते बापू जेल में, बापू जेल में नहीं है, बापू हमारे दिल में है। और बापू ने तो क्या क्या अभी और किसी का कितने कितने का अनुभव मैं बताऊँ, मेरे साथ में जो भी है उनका सबका अनुभव बताऊं तो मेरी किताब लिखूं तो किताब कम हो जाए। ऐसे ऐसे अनुभव है मेरे साथ में, है मेरे साथ में जो भी दोस्त है, मेरे यारी मित्र है, वो भी मेरे मेरे को सपोर्ट करते हैं आध्यात्मिक में आगे बढ़ो। ये सब घर परिवार फैमिली संसार में कुछ नहीं रखा है, तो मैं सबको ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि सबको ऐसे बापू मिले और आध्यात्मिक दीक्षा लेके और उन्नति बढ़े। मनुष्य जन्म मिला है तो कुछ पाकर जाने का। ऐसे ही गए अभी अभी धीरू भाई अंबानी का एक राइट हैंड था जिसको 75 करोड़ रुपया पगार था सालाना, वो छोड़ के 1 साल हुआ अभी उसने उन्होंने दीक्षा लिया। जो आध्यात्मिक में जो मज़ा है ना वो संसारी में कहीं मज़ा नहीं है। लेकिन एक बार जो स्वाद आपने आध्यात्मिक का चख लिया ना तो आपको फिर वो संसार का स्वाद सब फीका लगेगा। मेरे को सबसे प्रार्थना है कि ऐसे बापू सभी को मिले और जो भी साधक को जिसने और नाम नाम का दान लिया है, जो सही मन से जो प्रार्थना करते हैं बापू को, तो बापू अपने हृदय में मिलते हैं। मेरा काम हुआ तो बापू की कृपा से हुआ है। मेरे पास एक टाइम था, मेरे पास कुछ नहीं था और आज मैं सब कुछ पाया हूँ। मेरे अच्छी फैमिली है, मेरा 80 करोड़ों का फ्लैट है। एक टाइम था मेरे पास दूध लेने का पैसा नहीं था, आज मेरे पास आम नाम ठाम सब है। मेरे का सब बोलेंगे तो सभी काम पूर्ण हो गया। अब एक काम बाकी है तो वो भी काम मेरा बापू जल्द से जल्द पूर्ण होगी, वो भी मेरी आशा है। और मैं चाहता हूँ, मेरी और एक इच्छा है कि मेरे बापू जल्द से जल्द जेल से बाहर आए। हरिओम।